रियलाइजेशन हो गया, हम लोग भी जान गए, सारी बात को बता दिया, लेकिन अब इस बात को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप मान लीजिए कि कोई भूल हुई है, आगे उन्होंने इसको ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया है, इसलिए उनको क्षमा कर दीजिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं अक्षय आनंद। वैशाली के मत्स्य विभाग के कार्यक्रम में जब मुकेश सहनी के भाई पहुंचे, इसको लेकर के सरकार की फजीहत विधानसभा में भी हुई। मुकेश सहनी ने पहले मीडिया से बचने की कोशिश की, बाद में अपना कबूलनामा दिया, और उसके बाद जब आज टीपीएस कॉलेज के एक कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार शिरकत कर रहे थे, तब उनकी बात मीडिया से हुई। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में मुकेश सहनी की गलती को स्वीकार किया, यह भी कहा कि वह पहली बार सदन का हिस्सा बने हैं, सदस्य बने हैं, पहली बार मंत्री पद संभाल रहे हैं, उनसे गलती तो हुई है मगर उन्हें माफ कर दिया जाए। पूरा बयान सुनिए नीतीश कुमार का कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। इसका कोई उनको आइडिया नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसी बात है, जो जिन लोगों ने भी सवाल को उठा दिया, हम उनको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि कम से कम ये बात आ गई तो इससे पता तो चल गया, लेकिन अब इसके आगे नहीं सोचना चाहिए। कोई आदमी पहली बार उसको मौका मिला है, भाई जब पूरी बात अब जान लेंगे, हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि आपने कह दिया, उनको रियलाइजेशन हो गया, हम लोग भी जान गए, सारी बात को बता दिया, लेकिन अब इस बात को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप मान लीजिए कि कोई भूल हुई है, आगे उन्होंने इसको ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया है, इसलिए उनको क्षमा कर दीजिए। तो नीतीश कुमार मुकेश सहनी के बचाव में सामने तो आ रहे हैं, हवाला दिया है, पहले मर्तबा बिहार विधानसभा और मंत्री परिषद का सदस्य होने का, माफ़ी भी मिल जाएगी। सवालों का सिलसिला यहीं तक था जब तक कि सीएम इस पर कुछ फॉर्म स्टैंड और जवाब नहीं दे देते। विपक्षी लगातार मुकेश सहनी को लेकर मुखर है, क्योंकि वो सबसे आखिर में महागठबंधन से एनडीए का हिस्सा हुए। हालांकि मुकेश सहनी इसका आरोप महागठबंधन और तेजस्वी आरजेडी पर ही मरते हैं, कहते हैं कि उन्होंने उनके पीठ में छुरा भोंका। बहरहाल, बिहार से जुड़े अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर हमारे पेज को भी लाइक कर सकते हैं और खबरों में बने रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।